नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा, विद्या कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको पढ़ेंगे व्यवसायिक सांख्यिकी बीकॉम फर्स्ट ईयर चतुर्थक दशमक सतमक। चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल्स। चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल्स, ठीक है? QUARTILES क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स यानी कि इसमें Q1 और Q3 विशेष होता है। क्या होता है? Q1 और Q3 विशेष होता है, ठीक है? चतुर्थक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टाइल को कहते हैं चतुर्थक, ठीक है? यहां लिख देते हैं चतुर्थक, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं? दशमक। दशमक को कहते हैं डेप्टाइल। क्या कहते हैं? डेप्टाइल, ठीक है? DEC डेप्टाइल्स इसको कहते हैं दशमक। और इसमें डी का मान निकालना होता है। किसका मान? डी का, यानी चतुर्थक में Q1 और Q3 का, और डेप्टाइल यानी दशमक में डी का। उसके बाद है सतमक। सतमक को कहते हैं परसेंटाइल। क्या कहते हैं? परसेंटाइल इसको किससे करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। और वास्तव में इसमें जो है P10 और P9 यानी कि P10 और P90 का मान ज्ञात किया जाता है अधिकतर। और इसमें D में अधिकतर D10 या D अदर भी कोई भी संख्या निकालना हो, ठीक है? D10 का निकालना हो, ठीक है? D10 का, D11 का, D8 का, D9 का, यानी कि कोई भी संख्या है, अदर एनी कोई भी संख्या हो, को मान निकालने के लिए सबका एक ही फार्मूला प्रयोग में होगा, सिर्फ एक फार्मूला, ठीक है ना? तो Q1, Q3, डेप्टाइल, परसेंटाइल, यानी कि चतुर्थक, दशमक और सतमक। क्या कहते हैं? सतमक। सतमक यानी कि परसेंटाइल, ठीक है? क्वार्टाइल, डेप्टाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डेप्टाइल, परसेंटाइल, ठीक है? चतुर्थक, दशमक, सतमक। अब तीनों को ज्ञात करने के लिए तीन श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है? उसके बाद खंडित श्रेणी। क्या? खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज। क्या? डिस्क्रीट सीरीज। और सतत श्रेणी। क्या? सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो व्यक्तिगत श्रेणी का मैंने पहचान आपको इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ SR नंबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर दिया रहेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर होता है तो क्या होता है? व्यक्तिगत श्रेणी का होता है, ठीक है ना? खंडित श्रेणी में सीरियल नंबर प्लस फ्रीक्वेंसी। सीरियल नंबर प्लस फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की पहचान मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कभी घटे कभी बढ़े, न लगातार घटे न लगातार बढ़े। उसके बाद सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्लास दिया रहता है। क्या दिया रहता है? क्लास। क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी। क्लास कैसे दिया रहता है? जैसे कि हो गया 0 से 10, 10 से 20, या मार्क लेस देन, मार्क मोर देन, ठीक है? मार्क एबव, मार्क अंडर, ठीक है? सेंट्रल साइज, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, केंद्र बिंदु। इन सब की पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? सतत श्रेणी है, ठीक है ना भाई? हाँ, अब देखते हैं इसके फार्मूले कैसे हम आपको याद करवाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है इसका फार्मूला याद करने का, ठीक है? हमेशा जान लीजिएगा, जब आपका चतुर्थक, दशमक, सतमक या माध्यिका, क्या चतुर्थक, सतमक
दशमलव या माध्यिका, इन चार चीजों को कभी भी ज्ञात करना होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि श्रेणी सुव्यवस्थित नहीं है तो श्रेणी को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित करेंगे, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या कहीं भी हो। या माध्यिका जिसको कहते हैं क्या, मीडियन, जिसका मीडियन, मीडियन यानी कि एम एम, ठीक है। इनके अलावा आपने कभी अगर आपको यम निकाल रहे हैं तब भी सबसे पहले क्या करेंगे, यदि श्रेणी व्यवस्थित नहीं है तो उसको व्यवस्थित करेंगे, और व्यवस्थित का मतलब होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर, या घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना। हमेशा पहली कंडीशन श्रेणी को सुव्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद फार्मूले लगा देंगे Q1 इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई फोर वन पर, ठीक है, Q1 के लिए होगा, ठीक है, Q3 के लिए होगा 3n प्लस 1 बाई 4वां पद, कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके बाद खंडित श्रेणी में वही प्रक्रिया होगा, सिर्फ एक चीज बदल जाएगा, क्या, पहले भाई श्रेणी को सुव्यवस्थित करना है आप जानते हो, उसके पास उसके पश्चात पहले तो श्रेणी को व्यवस्थित करें, फिर f का cf, f का cf बनाएं। f का cf कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी का cf कैसे बनता है, माना कि आपको दिया 2, 3, 8, 9, 7, 4, 2, यानी कि देखो घटी बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी की मैंने क्या पहचान बताया कि कभी घटे कभी बढ़े, ना लगातार बढ़े ना लगातार घटे, ऐसे फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, इसका सीएफ कैसे बनाएंगे जानते हैं, 2 का 2, 2 3, 5, 8 5, 13, 13 9, 13, 13 7, 20, 20, 2 22, ठीक है, 22 7, ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है, यानी कि इसी फ्रीक्वेंसी का दिक्कत 2, ठीक है, 2 और 3, 5, 5 और 3, ठीक, सॉरी 5, 8, 13, 13, 9, 22, यानी ऐसे आपको जोड़ते हुए चले आना है तो f का cf बन जाएगा, ठीक है ना, f का cf बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं f का cf बनाएं, f का cf बनाएं, फार्मूला क्या हो जाएगा, q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4वां पद, ठीक है, Q3 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 बाई 4वां पद, ठीक है। ये सब पद किसमें जो है आप देखेंगे, CF में देखेंगे, वो संख्या जिसमें जिस CF में आएगी उसके सामने ही संख्या वाली क्या हो जाएगा, m हो जाता है, सॉरी Q1 हो जाएगा और Q3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम आप पर इसका न्यूमेरिकल बचाएंगे तो आपको एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। अभी तो फार्मूला आपको देखना है, देखो ये फार्मूला सेम था, ये भी फार्मूला सेम है, अब आगे इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होगा भाई, क्लास तो आपको दिया ही रहेगा, क्लास से कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी क्या बनेगा, एफ का सीएफ बनेगा, और पहले छोटा फार्मूला Q1 इज इक्वल टू एन बाई 4, क्योंकि यहाँ पे सतत श्रेणी में प्लस 1 खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q1 माइनस C, आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो फिर सिर्फ फार्मूले देखते हैं, क्योंकि आपको इन सब का फार्मूला याद करना है एक फार्मूले पे, इन सब का फार्मूला याद करना है एक फार्मूले पे। देखो ये फार्मूला इससे बना, अभी यही फार्मूला यहाँ पर बनेगा, और ये फार्मूला यहाँ पर बनेगा, ये फार्मूला जो यहाँ बना है यही फार्मूला सब में बनेगा, ठीक है, एक फार्मूले से सब फार्मूले, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू 3n बाई 4, फिर Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F Q3 माइनस C हो गया। देखो Q1, Q3 सब निकाल लिया, ठीक है। आते हैं D, सपोज दैट, हाँ D10 मान कह दिया,
तो आप क्या करेंगे जानते हैं, टेन एन प्लस वन बाई टेन, ठीक है। डेक्टाइल, डेक्टाइल का मतलब दशमक, दशमक में कौन सा शब्द आ रहा है, दहाई शब्द, और दहाई क्या होता है, दस होता है, तो आधार इसको बटे में कितना रखना है, दस, डेक्टाइल दशमक, दशमक यानी कि दस, ठीक है। वहां पर, वहां पर ध्यान दे भाई, श्रेणी को हर जगह व्यवस्थित करना है, यदि श्रेणी व्यवस्थित नहीं है यानी कि इधर का उधर इधर का उधर दिया है उसको सीधे क्रम में बनाएंगे, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसको, एक्स को, ठीक है। अगर सपोज दैट डी ए पूछ लिया तो एट एन प्लस वन बाई टेन वन पर, सिंपल से है, देखो वही फॉर्मूला ना, सिर्फ ये चार बदला, यहाँ पे दस आ गया, बाकी फॉर्मूला वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी टेन इज इक्वल टू टेन एन प्लस वन बाई टेन वन पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी एफ का क्या बनेगा, सी एफ बनेगा, वही कंडीशन जैसे सी एफ बनता है वैसे ही बनना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे डी एट इज इक्वल टू ए एन प्लस वन बाई टेन वन पर, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब चलिए ठीक है, यहां देखते हैं डी टेन इज इक्वल टू टेन एन बाई टेन, फिर डी टेन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, D10 माइनस C, फिर D8 इज इक्वल टू D8 इज इक्वल टू 8n बाई 10, D8 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, D10 माइनस C। देखो सिंपल वही फॉर्मूला बना ना, ठीक है। अब इसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं आपको भाई, ठीक है। अब देखो सतमक, सतमक का आधार क्या होता है, परसेंट, परसेंट कितने का बना है, पी, पी यानी कि सॉरी हाँ पी, सतमक कितने का बनता है, सौ का होता है, सतह कितने का होता है, सौ का होता है, सतमक परसेंटाइल, क्या परसेंट, परसेंट कितने का बना, सौ का बना, तो इसका आधार क्या होगा, सौ होगा। जैसे कि पी ना पी टेन पूछ लिया मान, क्या पूछ गया, पी टेन का मान ज्ञात कीजिए, पी टेन इज इक्वल टू जो है टेन एन प्लस वन बाई हंड्रेड, यानी कि शतक, शतक कितने को होता है, हंड्रेड का होता है, परसेंट कितने को होता है, सौ का होता है, सौ निकाल देंगे, वन पद पी नाइनटी इज इक्वल टू नाइनटी एन प्लस वन बाई हंड्रेड वन पद, ठीक है। ऐसे आपको रख लेना है, यहां के लिए भी वही P10 इज इक्वल टू, अब यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, F का CF बनेगा, F का CF कैसे बनेगा, सिंपल ही भाई, जैसे मैंने यहां पर भी जस्ट बताया था, ठीक है। P10 इज इक्वल टू 10 n प्लस 1 बाय 100 वन पद, ठीक है। फिर P90 इज इक्वल टू 90 n प्लस 1 बाय 100 वन पर, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, हाँ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हाँ ठीक है। क्या हो गया, P90 इज इक्वल टू 90 एन बाई 100, ठीक है। फिर ये तो छोटा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला P90 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, P90 माइनस C, उसी प्रकार, ठीक है, P10 के लिए 10 n बाई 100, P10 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, P10 माइनस C लगा लेना है आपको भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन इसी पे मैं बताता हूँ, इन जिसमें इन सबको निकालना होगा और ऐसे ही आपको लगा लेना है, एक इस बीच से बताएंगे, एक इस बीच से बताएंगे और एक